आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो 5 है ये क्लास 10th की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ओसवाल सैंपल पेपर से लिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड आउटसाइड दिल्ली कंपार्टमेंट सेट 3rd 2017 दिल्ली सेट 3rd 2016 को ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6, -11/2, -5, -9/2। तो यहाँ पर देखिए डैश डैश दिया हुआ, ठीक है ना, यानी कि ये जो सीरीज दी हुई है आगे तक गई हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर नीडेड टू गिव देयर सम जीरोस। इसमें ये कह रहा है कि ये एपी सीरीज देखिए आगे तक गई हुई, तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज में कितने टोटल टर्म्स होंगे कि जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो सम हो वो जीरो हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, मेरा जो एपी सीरीज है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एपी सीरीज मेरा क्या दिया हुआ है, -6, ठीक है, -11/2, -5, -9/2, ठीक है, ये दिया हुआ है एपी सीरीज है, -6, -11/2, -5 और -9/2, फिर ये डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी एपी सीरीज है, क्वेश्चन में कह दिया ये एपी सीरीज है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉमा, ये -11/2 क्या है, मैं सेकेंड टर्म है तो इसको A2 से हम डिनोट करेंगे, -5 जो ये थर्ड टर्म है तो इसको A3 से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ये क्या है फोर्थ टर्म है तो इसको A4 बोलेंगे, ठीक है ना। ये A1 क्या बता रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 दी हुई। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये एपी सीरीज लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस एपी सीरीज में कितने टर्म होंगे जिनको जिनका सम जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, हमारा SN जो है वो जीरो दिया हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो एपी सीरीज है आगे तक गई है, इसमें और भी बहुत से टर्म है, कितने टर्म है नहीं पता, लेकिन इन पूरे टर्म को जब हम जोड़ेंगे तो उनका सम जीरो होगा। तो कितने टर्म्स होंगे जिनको जोड़ने पर सम जो है जीरो होगा, यानी कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पर एन फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। और हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, मेन फॉर्मूले क्या क्या है, AN = A+N - 1D, एक ये मेन फॉर्मूला, और दूसरा होता है सम SN, ये वाला भी पढ़ा है जो कि बताता है सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है ना। ये क्या बताता है, SN क्या बताता है, तो एपी सीरीज में जो टोटल टर्म होते हैं उनका सम जो होता है उसको SN से डिनोट किया जाता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है N/2, ठीक है, और 2A+N - 1D, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, और गिवन क्या बोल रहा है कि उन सारे टर्म्स का जो सम है ना वो जीरो दिया हुआ, यानी कि SN = 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, SN जो है जीरो दिया हुआ। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = N/2, 2A+N - 1D, इसमें SN जीरो रहेगा और यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ n, यहाँ पर हमें हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि हमें यहाँ n फाइंड करना है, तो ये तो हमें नहीं पता है। अच्छा, a क्या होता है, a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि ए फर्स्ट टर्म यहाँ पर मैंने किससे डिनोट किया है, A1 से डिनोट किया है। देखिए इसको a भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, -6, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो a की वैल्यू मिल गया। n हमें पता करना है, और d मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 या फिर A3 - A2, यही तरीका है। तो हम A2 - A1 निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है, -11/2, तो यहाँ पर हम A2 की जगह क्या लिखेंगे, -11/2, ये क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। A1 की वैल्यू क्या है, देखिए A1 की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है -6, ठीक है ना। तो A1 जो है निगेटिव में है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A1 की देखिए वैल्यू -6 दी हुई, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, -11/2, -, प्लस हो गया 6, ठीक है ना, 6, इसको upon 1 भी कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो -11+, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 6 12, ठीक है, तो -12 में से 11 गया, क्या बचा, 1/2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा, 1/2, ये हमारा क्या डी है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये अब ये जो जितने भी वैल्यूज आए हैं, ए हमारा पता ही चल गया -6 है, डी भी हमारा निकल गया है, और SN हमारा 0 है। क्वेश्चन में ही बता दिया है कि कितने टर्म होंगे, यानी कि हमें यहाँ एन बताना है कि उन सारे टर्म को जब हम ऐड करें तो उनका सम जीरो हो, यानी कि SN 0 है। ये क्या बताता है, सम बताता है, जितने भी टर्म्स होते हैं ना उनका सम जीरो है, ये तो क्वेश्चन में इसलिए इसको जीरो लिया गया, ये गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब चलिए जो भी वैल्यूज दी हुई पुट कर देते हैं इस मेन फॉर्मूले में, हमारा मेन फॉर्मूला ये है। तो देखिए यहाँ पर SN की वैल्यू क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे, क्वेश्चन में कहा 0 = हमें एन फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा N/2, ठीक है। अच्छा, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिए, 2a, तो 2 लिखिए, इनटू, इनके बीच में इनटू का साइन है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -6, यहाँ पर a को a1 भी बोलते हैं, ठीक है, तो -6 लिख दीजिए आप यहाँ पर, फिर क्या प्लस,
प्लस ये क्या है n माइनस वन, तो n की वैल्यू तो दी नहीं हुई तो n माइनस वन लिख दीजिए आप यहाँ पर, और d d ये देखिए d है यहाँ पर, तो d की वैल्यू कितनी आई हुई है 1/2, तो यहाँ पर आप 1/2 लिख दीजिए। तो अब इसी को सॉल्व करके हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये जीरो है इक्वल टू ये क्या है n अपॉन टू, ठीक है n अपॉन टू हो गई है हमारा, 2 6 जाते कि 2 6 12, और क्योंकि निगेटिव है तो यह निगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। फिर ये क्या प्लस प्लस हो गया हमारा, फिर ये क्या है n माइनस वन और इंटू 1/2, तो देखिए n माइनस वन को 1 से इंटू करेंगे तो ये इतना ही होगा n माइनस वन होगा, फिर ये अपॉन टू में है तो यहाँ पर अपॉन टू ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, ये n माइनस वन को ये देखिए n माइनस वन और ये 1 से इंटू करेंगे तो n माइनस वन होगा, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा ये माइनस 12 आया है तो इसको हम अपॉन 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जगह 0 इक्वल टू ये हो जाएगा n अपॉन 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 1 और 2, 1 2 2 ये एलसीएम होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 2 2 2 को 12 से इंटू करेंगे तो 12 2 24, और क्योंकि निगेटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे, प्लस ये 2 है तो 2 1 2 1 टाइम्स आएगा, तो 1 से इसको इंटू करेंगे, 1 से ये n माइनस 1 इंटू होगा तो ये तो इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे करना है, ये 0 है n अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या होगा ये देखिए माइनस 24 है और ये माइनस 1 है, ठीक है ना। तो माइनस 24 और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन लगा है तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा, ठीक है। ये और ये हमने जोड़ दिया है, अब अच्छा प्लस n, ठीक है, अपॉन 2 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया है, 0 इक्वल टू n अपॉन 2 माइनस 25 प्लस n अपॉन 2, ये आया हमारे पास, ये आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू ये n है और ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये ऊपर वाला देखिए न्यूमिनेटर में देखिए क्या है n लिख दिया, फिर इंटू, फिर ये क्या है ये भी न्यूमिनेटर में है तो माइनस 25 प्लस n, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए ये टर्म, ठीक है ना, ये माइनस 25 प्लस n अपॉन, देखिए न्यूमिनेटर में ये है और एक ये है तो n लिख दिए यहाँ पर इंटू, फिर ये जो है माइनस 25 प्लस n, क्योंकि दो टर्म इसलिए ब्रैकेट में करेंगे। फिर नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 है और 2 है, इन दोनों के बीच में क्या है इंटू का साइन है, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n, फिर ये क्या माइनस 25 प्लस n, ठीक है, अपॉन ये ऊपर वाला इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और ये 2 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 0 इक्वल टू n माइनस 25 प्लस n अपॉन 4, ये आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, 0 अपॉन 1 कर दिया। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मीन्स क्या होता है, ये x, ये देखिए क्रॉस है ना, क्रॉस का साइन है कि नहीं, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 जो है इससे इंटू होगा और 1 जो है इससे इंटू होगा, तो 0 को 4 से इंटू करेंगे, 0 को 4 से इंटू करेंगे तो 0 इंटू 4 ये हो जाएगा इक्वल टू, ये इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए। अब 0 4 से इंटू हुआ मैंने लिख दिया, फिर इक्वल टू है यहाँ लिख दिया, फिर 1 को आप इससे इंटू करेंगे तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये टर्म तो ऐसी रहेगी, ठीक है, 1 से इंटू करने पर तो इतना ही आएगा। अच्छा 0 4 0 हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 25 प्लस n, ये आया हमारे पास, तो 0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर n को इससे इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 25 n होगा, फिर प्लस ये क्या है n n n इंटू n, ये n है और n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x एक्स स्क्वायर होता है तो n इंटू n स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस 25 n है इसको हम जीरो साइड लेकर आएंगे, ये निगेटिव है, जब इधर साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 25 n हो जाएगा कि नहीं, माइनस 25 n इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू, और ये n स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 25 n इक्वल टू ये जो n स्क्वायर है इसको n इंटू n भी लिख सकते हैं ना, जस्ट मैंने इसको लिख दिया, पावर हटा दिया तो n इंटू n लिख दिया, ये n इंटू n n स्क्वायर का ही बराबर होगा। अच्छा ये देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 25 n दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25 n है ये, ठीक है, इक्वल टू और ये क्या है n इंटू n ये दिया हुआ है। अच्छा 25 और n इनके बीच में इंटू का साइन है तो मैं सीधे इंटू करके ले देती हूँ और ये n इंटू n है, तो इक्वल के दोनों साइड इंटू इंटू है तो एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा n की वैल्यू, ये देखिए ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है 25 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू 25, ये बता रहा है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पर ये कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चार टर्म है, तो ये n इक्वल टू 25 क्या बता रहा है कि ये एपी सीरीज आगे तक गई है, ठीक है ना, तो इसमें टोटल 25 टर्म होंगे, ये n ये बता रहा है कि टोटल एपी सीरीज में 25 टर्म होंगे जिनको जब आप ऐड करेंगे ना तो उनका सम जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए आप चेक भी कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं तो एपी सीरीज में आप आगे वाला टर्म भी निकाल सकते हैं, तरीका आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही चल गया 1/2, तो यहाँ पर ये चार टर्म दिए हैं तो आप पांचवा टर्म भी इजिली निकाल सकते हैं, इसी तरह से छठवा सातवा टर्म निकाल करके आप 25 टर्म निकाल लीजिए सब टोटल, और जब उन पूरे टर्म को आप ऐड करेंगे ना तो वो जीरो ही आएगा,
तो ये आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है, हमें क्या फाइंड करना था, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि यहाँ पर निकल चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।